बिल्कुल। आप 30 साल बाद आ रहे हैं पाकिस्तानी जेल से, एक खुशी का मौका है आपके लिए, सबको बताइए। पूरा तो नहीं, लेकिन 30 साल बाद अपने बच्चों मिल गया। उन्होंने आग्रह किया है कि विशेष सहायता दी जाती है बिहार के 30 साल बाद अपने बच्चों मिले आके के बाद आधे मुल्क जाए, जिसका की प्रावधान बिहार पुनर्गठन विधेयक में है। जेल कोई गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। सफर कैसा रहा? उसको मुश्किल हो या कुछ हो, जब तो जेल के अंदर कैदी है तो तुम पता कैदी वास्ते जो जब हालात होंगे वो तो होने। बल ये है, मैं कहूंगा, ये मैं जरूर कहूंगा कि पाकिस्तानी जेलों के इंडिया वाले सुनो, पाकिस्तानी जेलों के इंडिया वाले कोई तकलीफ नहीं, बिल्कुल किसी ने भी, ये तो हूं नहीं ना, ये तो हूं अपने बैठे है ना, फिर भी कोई तकलीफ नहीं किसी किस्म की, खाण की नहीं, कोई पीन की, कोई लीड़ा कपड़ा, कोई साबण तेल हर चीज उन्होंने मिलती है। सरबजीत बिल्कुल ठीक ठाक है, बिल्कुल सही है, कोई ओनू तकलीफ नहीं, कोई गल नहीं। ये तो है कि सजाए मौत का कैदी है, सजाए मौत वाले बंद होना है, वो कदा बंद है, जिथे मर्जी वह फिरदा, बाहर तो नहीं फिरन देंगे, एडा क हत्थ आया वो विचों फिरदा रहिंदा, उन्हें कोई तकलीफ नहीं। हाँ मैं मिलता रहना हूं, हाँ मिलता रहना हूं। आपसे कोई कोई मैसेज भेजा है सरबजीत ने? नहीं कोई नहीं। जब आप मिले थे आपकी क्या बातचीत हुई थी सरबजीत से? सरबजीत ने आम कैदियों से, जिस तरह आम नहीं मिलते जाके, हर हफ्ते से हफ्ते असं जाके मिलते हो, रिहाई होने वाली थी, उन्हें भी पता है, उन्हें पता है उनकी रिहाई होने वाली है। हाँ क्या उन्होंने क्या बोला आपसे? कुछ नहीं, चुप की कर सकता है। बताएंगे आपको कब पता चला? गलती ये हुई है, देखो मैं दसना, गलती ये हुई है कि सरबजीत का जिन्ना जोर लगे ना उसकी रिहाई वास्ते वो गलत गया सारा, वो क्यों, वो मीडिया च आ जाता है, मीडिया च आ जाए, मीडिया आवाम च ले जाती है, आवाम फिर वे खिलाफ खड़े हो जाते हैं। टीवी पे है देखो मैं दसदा, कोई कुटमार नहीं मरिया, कोई भुखा त्याया नहीं मरिया, बीमारी का जिथो तक तलक है उथे स्पेशल उन्होंने लहदा बंद किया है, पागल हुए फिर थोड़े घने वो लहदा बंद किया, उदू बाद जो इन्हों तो नहीं ठीक हों जेल के डॉक्टर तो बहर भेजते हो, बहर एक है जना हस्पताल, जिस तरह अपने चंडीगढ़ हस्पताल है, इस तरह उत्थे भेजते है, उत्थों फिर ठीक हो गया जाते। परसों सरबजीत की रिहाई की बात आई थी और सरबजीत को भी बताया गया था, आप बताएंगे क्या बात हुई थी उस समय, आपको कब बताया गया कि आप रिहा हो? वो गलत हुई थी, सुनो वो गलत हुई थी, सरबजीत और सुरजीत में फर्क नहीं है, वो ये नहीं समझते, वो सुरजीत भी उसे तरह लिखा जाता है उर्दू च, सरबजीत भी उसे तरह ही लिखा जाता है। आपको कितने बजे बताया, कितने बजे आपको पता चला और किसने आपको खबर दी कि आप रिहा हो? देखो मैनू ये पता लगे रहमान मलक नी इन्हों का जरा पहला होम मिनिस्टर सी, उन्हें इंटरव्यू दिता है उन्होंने अखबारी रिपोर्टर, उन्हें दसिया मेरे कागज लहदा किए है, सरबजीत के लहदा किए है कि तुम आने हो कि सरबजीत रिहा हो गया, सरबजीत के तो कागज अजे साढ़े को नहीं पहुंचे, वो समरी साढ़े को नहीं पहुंची, ये सुरजीत सिंह है, सरबजीत नहीं, सुरजीत सिंह है, वो आ कागज आए है, वो रिहाई है, उन्होंने 48 घंटे असं कट देवे। देखो ये मैं कोई मैनू नहीं इस गल का पता, मैं गलत करा, अखबार मैं पढ़ता, मैं कोई एडिटर नहीं या मैं कोई अफसर नहीं या कोई मैं मिनिस्टर नहीं, पर यह है कि उन्हें रहमान मलक का तुम इंटरव्यू सुनिया, फिर यह सवाल करने की लोड़ ही नहीं पैनी थी, तुम्हें पता लग जाता क्यों होया। नहीं
नहीं करवा लेंगे रिहाई वाली गल ना छोड़ो मैथों इन्हें बंदे ना पाओ मैं करवा लूंगा एक मिनट उसका जवाब दे मैं करवा लूंगा सरबजीत तुसी किस तरह कराओगे बस तू ये छोड़ दे इस गल नूं जान दे जल्दी करवा लूंगा कुछ ना कुछ करांगे मिनिस्टरों को मिलांगे सरबजीत ने अपने परिवार के लिए कोई मैसेज भेजा है आपके थ्रू नहीं बच्चे कोई नहीं क्योंकि आज मैंने उन्होंने मिल नहीं देता सुबह जब आप लास्ट मिले थे उनसे उनकी दिमागी हालत कैसी थी ठीक थी बिल्कुल क्या बोला अपने परिवार के बारे में बात करते थे हर किस्म की गल करते थे वो बीबी की तो मैं दसा उ मना है समझ गए ना लेकिन वो फिर भी चलता रहता है ये लंबी गल है मैनू नहीं पता ये तुसी जानो इंटीरियर मिनिस्टर जानो मैं जेड़ा काम ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਤੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਜਸੂਸੀ ਬਸ ਗਿਆ ਸੀ ਭਾਜੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਬੱਚਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ 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 ਆਰਮੀ ਹੈ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਗੇ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ Do you have the NDTV Profit app? All the markets, all the news and your own homemade, ready-made portfolio available there for you. We will right now answer what you should sell, what you should buy when markets are down. Download at ndtvprofit.com/apps. Get the best app from the channel you trust.